एग्जाम्पल वन पॉइंट सिक्स कंसिडर थ्री चार्जिस क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एच इक्वल टू क्यू एट द वट इज इज ऑफ एंड इक्विलेटर ट्रेंगल ऑफ साइड एल तो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या गिवन है कि मेरे पास तीन चार्जेस हैं क्यू वन क्यो टू एंड क्यू थ्री इक्विलेटर ट्रेंगल्स आर दो ट्रेंगल्स इन विच साइड्स आर इक्वल मान लीजिए ए बी की लेंथ एल है तो जैसे अब बी सी की लेंथ भी एल होगी और सी ए की लेंथ भी एल होगी वट इज़ द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल क्यू विथ द सेम साइन एज क्यू अब यहाँ पे हम साइंस की बात कर लेते हैं वो कह रहा है कि एक इसके सेंटर पेक्यूल्टर एंगल पे हमने कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है जिसका साइन सेम एज़ क्यू हुआ है सो क्यू के साइंस क्या होंगे पॉजिटिव जब भी हमें कोई साइन नहीं गिवन होगा किसी भी चार्ज का तो हम उससे बाई ऑटोमेटिकली कंसिडर करेंगे कि वो एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसीलिए मेरा जो कैपिटल क्यू है वो भी एक पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा प्लेस एट द सेंटराइड ऑफ द ट्रेंगल जो कि एक सेंटराइड ऑफ ट्रेंगल पे प्रेजेंट है जो सेंटराइड को हम पॉइंट के नाम देते हैं ओ पॉइंट एज शोन इन फिगर वन पॉइंट नाइन एज शोन इन फिगर वन पॉइंट नाइन तो ये फिगर हमें गिवन होगी सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लोकेशन ऑफ सेंट्राइड क्योंकि हमें मालूम है कि कूलम्स लॉ में हमें डिस्टेंस चाहिए वाइल्ड कैलकुलेटिंग द फोर्स अब हम कंसेप्ट ऑफ सेंट्राइड ऑफ ट्रेंगल देख लेते हैं पेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रेंगल मान लीजिए मेरे पास ट्रेंगल है ए बी सी दिस इज पॉइंट ओ जो हमने इसे सेंट्रॉयड कंसिडर करना है तो अब अगर मैं ए डी ड्रा करूँ परपेंडिकुलर ऑन बी सी अगर मैं ए डी ड्रा की अब परपेंडिकुलर बी सी इस सीमिलर ए सी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड बी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी वेयर दे मीट वो मेरा हो जाएगा सेंट्रॉयड पॉइंट ओ जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किए जैसे ए डी सी ई बी एफ आर नोन एज मीडियंस हम इन्हें मीडियन के नाम से भी जानते हैं सो so, सेंट्रोइड का फार्मूला क्या है ओ पॉइंट का इस टू बाई थ्री ऑफ डिस्टेंस ऑन ईच मीडियन ठीक है अगर आपको एक भी मीडियन का डिस्टेंस मालूम है तो उसका टू बाय थ्री कर देंगे तो आपको सेंट्रोइड की लोकेशन मिल जाएगी सो so, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर लूँ ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी अगर हम ए डी की लेंथ फाइंड कर लूँ तो उसका टू बाय थ्री करने से मुझे सेंट्रोइड मीन्स पॉइंट ओ पता चल जाएगा अब हम देखते हैं कि हम ए डी कैसे फाइंड कर सकते हैं सो इन इक्विटेड ट्रायंगल्स हमें मालूम है ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर सिक्सटी सो अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि लाइक ए डी सी ट्रैंगल की बात कर लूँ तो हमें मालूम है ए डी बाय सेक्टर है ऑफ एंगल ए तो ये टोटल totally कितने का सिक्सटी तो ये कितना रह गया थर्टी अब इसी को यहां पे अगर हम फ्रीली बना के देखें तो हमें मालूम है थर्टी अब मेरा रेफरेंस एंगल आ गया रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर और नाइन्टी एंगल के ऑपोजिट होता है हाइपर एंगल ऑफ रेफरेंस और नाइन्टी एंगल के बीच होता, होता है मेरे पास बेस तो अब मुझे क्या निकालना है ए डी सो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी सोना साइन चांदी कॉस तोल टैन सो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हमें निकालना है क्या ए डी सो और मुझे पता है क्या ए सी इक्वल टू एल है सो so, यहाँ पे मैं कॉस्ट को चूज कर लेता हूँ सो कॉस्ट थर्टी ए डी बाई ए सी सो ए डी किसके को आ गया ए सी इंटू कॉस थर्टी तो ये मेरे पास ए डी कैलकुलेट करने का फार्मूला आ गया ए डी इज इक्वल टू ए सी थर्टी तो हम ये यूज कर लेंगे यहाँ पे. मेरे पास जो ए डी डिस्टेंस है मीडियन का वो कितना आ गया ए सी इंटू कॉस थर्टी जो हमने कैलकुलेट कर लिया अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेते हैं तो ए सी मेरे पास कितनी आ रही है L और कॉस्ट थर्टी की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है अंडरूट थ्री बाई टू अब जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम अगर मीडियन को टू बाय थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास सेंट्रॉयड मिल जाता है सो फॉर सेंट्रॉयड मतलब मीन पॉइंट ओ मेरे पास क्या आ जाएगा ओ सेंट्रॉयड इज इक्वल टू टू बाई थ्री इन टू अंडरूड थ्री बाय टू इंटू मेरे पास क्या था एल सो so, इसे हम सॉल्व फर्दर सॉल्व करते हैं टू से टू कैंसिल अब मेरे पास क्या बच गया अंडरूड थ्री ओवर थ्री इन एल अब इसे हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडरूड थ्री सो हमें मालूम है अंडरूड थ्री इंटू अंडरूड थ्री ये मेरे पास किसकी वैल्यू दे देगा थ्री की इन टू एल सो एक अंडर रूट थ्री से एक अंडर रूट थ्री कैंसिल हो गया तो आई एम लेफ्ट विद ओनली एल बाय अंडर रूट थ्री सो दिस इज माई द लोकेशन ऑफ सेंट्रोइड, एल बाय अंडर रूट थ्री की बाय समेट्री बाय समेट्री अब हमें मालूम है ये इक्विलेटेड ट्रैंगल है सो जो मेरा ओ बी होगा ओ ए डिस्टेंस होगा या ओ ए डिस्टेंस होगा सभी किसके इक्वल आ जाएगा एल बाय थ्री सो मैं कह सकता हूँ ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ सब किसके इक्वल आ गया जो मैंने ओ पॉइंट की लोकेशन निकाली थी मीन्स एल बाय अंडर रूट थ्री अब हम मुझे फाइंड क्या करना है कि फोर्सेस ऑन अ कैपिटल क्यू ड्यू टू डीस थ्री चार्जेस सो सबसे पहले इसे मैं सिंबल दे लेता हूं फोर्स वन फोर्स वन ड्यू टू चार्ज लग रही है क्यू वन सो हम यहां पर कहेंगे फोर्स एफ वन से नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू चार्ज ठीक है क्यू वन मीन्स क्यू क्यू के कारण एट ए ठीक है कि ए मेरा कितना फोर्स लगा रहा है कैपिटल क्यू चार्ज पे सो so, अब इसका बाय फार्मूला हमें मालूम है कि एफ वन इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एफसेला नॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस सो स्मॉल क्यू इन टू कैपिटल क्यू अपॉन स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम सो ए मेरे पास कितना एल बाय थ्री सो एल बायरूड थ्री होल स्केयर अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास कितना आ रहा है वन बाय फोर पाई अप्साला नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू ओवर एल स्केयर अपॉन थ्री इसके हम फर्दर सिंपलीफाई करके लिखें तो मेरे पास आ रहा है वन बाई फोर पाई अप्सेला नॉट अब ये थ्री ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में सो so, ये हो गया यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में लगाते हैं थ्री इंटू क्यू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू ओवर एल स्केयर अब सिमिलर वे से हम कह सकते हैं फोर्स एफ टू ऑन क्यू ड्यू टू चार्ज ठीक है जो किसके एट बी बी कितना फोर्स लगा रहा है ऑन क्यों पे सो एफ टू क्योंकि देखिए डिस्टेंस भी सेम रहेगा मेरे चार्ज भी सेम्स रह रहे हैं सो सेम मेरे पास एफ टू कितना जाएगा थ्री फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इन टू कैपिटल क्यू ओपन एल स्क्वायर एंड सिमिलर वे से कि यो मेरी Q3, जो मेरी फोर्स है एफ थ्री ऑन क्यू ड्यू टू चार्ज क्यू थ्री जो किसके इक्वल है क्यू के एट पॉइंट सी के तो सेम आ जाएगा सो एफ थ्री इज इक्वल टू थ्री फोर पाई अप्सला नॉट स्मॉल क्यू इन टू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्केयर बिकॉज जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि चार्जेस सेम रहेंगे एंड डिस्टेंस भी सेम आ रहा है सभी में सो दिस फोर्सेस विल बी सेम अब देखिए क्या हो रहा है क्योंकि ए चार्ज के कारण मेरी फोर्स लग रही है डाउनवर्ड सो बी कारण के कारण इस डायरेक्शन में एंड सी के कारण इस डायरेक्शन में मेरी फोर्स लग रही है अब एफ टू और एफ थ्री का अगर मैं रिजल्टेंट निकाल लूँ तो वो कितना आएगा हम ये देखते हैं द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू एफ़ टू एंड एफ थ्री की ही बात हो रही है यहाँ पे कि रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू एफ टू और एफ थ्री कितनी आ रही है वो अलॉन्ग किसके आ जाएगी ओ ए के तो उसका रिजल्टेंट भी इक्वल होगा थ्री बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल क्यू इन कैपिटल क्यू बाय एल्स स्क्वायर बाय पैरलोग्राम ला ठीक है जी पैरोग्राम ला के अकॉर्डिंग ये मेरे पास सेम मैग्नीट्यूड की आ जाएगी बट डायरेक्शन अब मेरे पास कितनी आ जाएगी ओ टू सो so, यहां पे हम फोर्सेस एफ वन एफ टू और एफ थ्री की भी डायरेक्शन को देख लेते हैं जो मेरी एफ वन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रही है ए टू ओ फोर्स एफ वन मेरी किस डायरेक्शन में लग रही है ए टू ओ तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं ए टू ओ एंड एफ टू मेरी किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बी टू ओ सो अलोंग बी टू ओ एंड एफ थ्री मेरी कहां से लग रही है सी टू ओ अलोंग सी टू ओ एंड जो मेरी रिजल्टेंट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रही है वो भी लग रही है अलोंग ओ टू ए टू ए अब अगर यहां पे मैं जो मेरा डायरेक्शन वेक्टर है जिसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर आर कैप अगर मैं ओ टू ए इसे पॉजिटिव कंसिडर करूँ हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं लेट जो मेरी डायरेक्शन है ओ टू उसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ पॉजिटिव आर कैप मतलब आर यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ सो so, मेरे पास ए से ओ मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा नेगेटिव आर कैप सो अब मेरे पास इस डायग्राम में सिर्फ दो फोर्सेस ही बची थी जो रिजल्टेंट फोर्स थी मेरे पास ठीक है जी सो एफ रिजल्टेंट से नाम दे देते हैं एफ आर रिजल्टेंट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी और मेरे पास क्यों चार्जेस पे तो एफ वन जो मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन ले रही थी सो so, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा अलोंग ओ टू ए पॉजिटिव आर कैप सो एफ वन का किसके हो जाएगा नेगेटिव ऑफ आर कैप डायरेक्शन वेक्टर से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पे मैं फाइंड करूंगा टोटल फोर्सेस टोटल फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू तो अब मेरे पास टोटल फोर्सेस में दो फोर्स बच रही है एफ आर एंड एफ वन सो टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज इक्वल टू इक्वल आ जाएगा इन दोनों के सम के इक्वल सो थ्री जो मेरे पास o, A, F, A, positive रखते हैं, so, इसे लेते हैं इसे so, क्योंकि हमें मालूम है टोटल द फोर्सेस के इक्वल होगा सो नेक्स्ट फोर्स हमारी कितनी आ रही है थ्री फोर पाई अपसे इंटू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर Into, अब मेरे यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा अलोंग डायरेक्शन हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे नेगेटिव ऑफ कैप से तो सेम फर्दर सिंपलीफाई करें तो मेरे पास थ्री फोर आउट इसी तरह से चार्जेस स्मॉल कैपिटल ये भी कॉमन आउट आ गए सो एल स्केर भी मेरे पास कॉमन आउट हो गया तो मेरे पास क्या बच गया आर कैप माइनस का साइन है तो आर माइनस आर कैप आर माइनस आर करेंगे तो मेरे पास आ आएगा जीरो जीरो इंटू टू जीरो तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इट इज क्लियर दैट द सम ऑफ थ्री फोर्स इक्वल टू जीरो